हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। अब देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो जैसे कि मेनली आप लोगों को पता होगा कि जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको ध्यान रखने होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मूलधन। मूलधन या इसको प्रिंसिपल भी बोला जाता है और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो पहला टर्म आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा टर्म आता है इसमें टाइम या समय। समय या टाइम भी इसको बोला जाता है और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तीसरा टर्म आता है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको हम दर बोलते हैं और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और जो रेट है वो मेनली पर एनम में ली जाती है और साथ में जो टाइम है वो भी एक साल के हिसाब से लिया जाता है। और इसमें चौथी और लास्ट चीज आती है मिश्रधन। मिश्रधन या इसको अमाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चे मेनली मूलधन और मिश्रधन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रधन, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है मिश्र। मिश्र का मतलब किसी भी चीज़ को मिश्रित करना। अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें मिश्रित करेंगे, एक तो मूलधन को मिश्रित करेंगे यानी पी को मिश्रित करेंगे, प्लस एक इंटरेस्ट को मिश्रित करेंगे। तो इसमें अभी हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जो अमाउंट की वैल्यू होगी वो मूलधन और साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और यहीं से हमारा एक फार्मूला भी बनता है कि अमाउंट की वैल्यू होगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले की बात करूं तो जैसे मेनली सभी लोगों को पता होगा और टेंथ में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बार दोबारा देख लीजिए। देखो सबसे पहला आता है इसमें मूलधन या प्रिंसिपल। तो मूलधन या प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है, देखो जब भी कोई अमाउंट हम किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये दिए, किसी को 100 रुपये दिए या किसी से 100 रुपये लिए, तो वो जो राशि होगी वो प्रिंसिपल कहलाएगी, वो अमाउंट कहलाएगी। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये दिए और मैंने ये बोला कि एक साल के बाद मैं इस पर कुछ ब्याज लूँगा, कुछ इंटरेस्ट लूँगा, जब एक साल बाद आप मुझे इसको लौटाओगे तो साथ में मुझे इसके साथ में एक्स्ट्रा पैसे भी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए मैंने बोला कि एक साल के बाद इस पर मुझे एक्स्ट्रा 10 रुपये चाहिए, तो ये जो 10 रुपये हो जाएंगे ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, या इसको सिंपल इंटरेस्ट भी बोला जा सकता है, ठीक है। और जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को जब आपस में जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 10 यानी टोटल 110 रुपये हो जाएगा। तो जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे तो ये टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा। और अमाउंट कब होगा, ये एक साल के बाद होगा, यानी टोटल अमाउंट इंटरेस्ट के बाद निकलता है, ठीक है। और अगर मैं इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे निकालूँगा, जैसे कि सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मेरे पास पता है 10 रुपये बराबर प्रिंसिपल मेरे पास है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है इनटू टाइम मेरे पास है एक साल, तो यहाँ पे एक हो जाएगा और बटे में 100 है तो 100 में कर दूंगा, तो इससे ये कैंसिल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट या किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें इन चारों चीज़ों में से तीन चीज़ें पता हैं तो। अब देखो इसमें कुछ और टर्म आपको पता होने चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें पी की वैल्यू दी है 100 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कुछ भी मान लो, मान लीजिए 5% है और टाइम दिया है हमें 3 साल का। तो अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट कितने प्रकार से मैं निकाल सकता हूँ, देखो एक तो सिंपली फार्मूला होता है, फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर वैल्यू रख के हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, पी बराबर होगा 100, आर बराबर है 5 और टी बराबर है 3 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 से 15 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आया।
तो एक तरीका तो ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। दूसरा तरीका क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, देखो सबसे पहले अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत मैं कैसे निकाल सकता हूँ, रेट और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करके। यानी अगर मैं रेट इंटू टाइम कर देता हूँ तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत निकल आएगा। तो कितना हो जाएगा, रेट है हमारे पास 5 इंटू टाइम है हमारे पास 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, ये 15%। यानी अगर प्रिंसिपल का मैं 15% निकालूं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 100 रुपये प्रिंसिपल है, इसका मैं 15% डायरेक्ट निकालूंगा। तो 15% अगर मैं इसका निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 15 रुपये। तो ये हमारा डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। तो इस प्रकार से भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। और अगर मुझे अमाउंट निकालना हो तो अमाउंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो है हमारे पास 100 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकाला हमने 15 रुपये, तो कितना हो जाएगा टोटल, 115 रुपये। एक तरीका तो ये है अमाउंट निकालने का। और अगर मैं अमाउंट को डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, देखो सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत मैंने यहाँ पे निकाला डायरेक्ट 15% है, तो 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/100। ठीक है, अब मैं 5 से काटूंगा तो यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो ये मैं लिख सकता हूँ इसको 3/20। अब देखो बटे में जो भी नंबर होता है, ये जो बटे में जो नंबर हमने लिखा हुआ ये प्रिंसिपल होता है, और अंश में जो भी नंबर होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इसमें प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू 20 के बराबर है, और हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 100 रुपये के बराबर, यानी 20 की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। और मुझे निकालना है अमाउंट, अमाउंट मुझे निकालना है तो कितने की वैल्यू निकालनी होगी मुझे, देखो अमाउंट की वैल्यू होती है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 20 और 3 23 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 20 की वैल्यू मेरे पास है 1,000 रुपये, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100/20, यानी ये हो जाएगा 5, और मुझे 23 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड में 23 से गुणा कर सकता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये, 5 × 3 = 15 × 5 × 5 = 10 और 1 = 11, यानी यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट अमाउंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ 115 रुपये, और यहाँ से भी हमने 115 रुपये ही निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट में मेनली ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ये हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, PRT/100। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 988, रेट है हमारे पास 18% इंटू टाइम है 5 वर्ष, बटे में 100 हो जाएगा, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा, ये 90, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका गुणा कर दो तो 9 × 8 = 72। स्टार्टिंग में 2 आ रहा है तो 2 2, देखो स्टार्टिंग में कहाँ पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत निकाल दो। तो सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत निकालेंगे तो इनको गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी 90%। तो मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल का 90% भी निकाल सकता हूँ। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारा आंसर आएगा बी वाला। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। ठीक है, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा, उसे कितना धन वापस देना होगा, यानी मुझे टोटल अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सबसे पहले मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा और उसके बाद प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करूँगा तो हमारा अमाउंट की वैल्यू निकल आएगी। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत निकाल दो, तो 9% ये है इंटू कितने साल के लिए है, क्योंकि रेट इंटू टाइम से हम सिंपल इंटरेस्ट का प्रतिशत निकाल सकते हैं। 2.5 साल के लिए है, यानी 2 × 2 = 4 और 1 = 5, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 से गुणा कर सकता हूँ, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 20, तो ये हो रहा है 9/40। ठीक, तो ये बटे वाली राशि प्रिंसिपल होती है और ये ऊपर वाली जो राशि है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मुझे पता है मुझे अमाउंट निकालना है,
तो देखो प्रिंसिपल हमें पता है 40 की वैल्यू किसके बराबर है, 8,500 के बराबर है, और अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो इनको जोड़ दो, तो मुझे 49 की वैल्यू चाहिए। तो 49 के लिए सबसे पहले इसको नीचे लेके आऊँगा और फिर 49 से गुणा करूँगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो को कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं। देखो इसको गुणा करेंगे तो ये लगभग 10,412.5 के बराबर आ रहा है शायद से, यानी ए वाला इसमें हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 से ही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। यानी इसमें सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, पहली कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरी कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर हैं। इसमें दिया है साधारण ब्याज बराबर हैं, तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो यहाँ पे 1 की बात कर रहे हैं तो सब पे 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे भी P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो यहाँ पे 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 से 100 कैंसिल कर सकता हूँ। तो देखो मुझे किस किस की वैल्यू इसमें दी है, देखो एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, पहली कंडीशन में 5% है, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 इंटू टाइम 3 साल दिया है, बराबर P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 6 चौके 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/4 इंटू टाइम दिया है 4 साल, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 पंजे 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 3P1 बराबर 5P2। तो P1 और P2 का अगर मैं अनुपात निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये P1 की वैल्यू इस पे जाएगी, यानी 5:3 हो जाएगी। यानी P1 की वैल्यू अगर 5 है तो P2 की वैल्यू 3 होगी, और टोटल प्रिंसिपल हमें दिया है कि 3600 है, यानी P1 प्लस P2 की वैल्यू 3600 के बराबर है। तो मुझे क्या निकालना है, ये राशियाँ हैं तो मुझे P1 और P2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, P1 की वैल्यू है 5 और P2 की वैल्यू है 3, तो इसकी वैल्यू 3600 के बराबर हो जाएगी, तो 8 बराबर होगा 3600 के, तो एक की वैल्यू होगी 3600/8। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे पहले 5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 5 से गुणा करूँगा दोनों साइड, तो अब मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 900, फिर 2 से काट सकता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 450, फिर 5 का गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 को 5, 5 चौके 20 और 2 22, तो पहली राशि हो जाएगी 2250। तो 2250 कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, दूसरी राशि निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो निकाल सकते हैं, यहाँ पे 5 की वैल्यू मैंने निकाली, दूसरी राशि 3, तो फिर 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 1350 हमारा आंसर आएगा, दूसरी राशि, पहली राशि 2250 और दूसरी राशि 1350 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो इसमें दिया है कि दो समान राशियां, यानी P1 बराबर है P2 बराबर, मैं P मान सकता हूँ, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें समान है, यानी R1 बराबर है R2 के, इसकी वैल्यू है 7.5%। फिर पहली कंडीशन में हमें टाइम दिया है 4 और दूसरी कंडीशन में टाइम दिया है हमें 5 वर्ष। आगे दिया है यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 का अंतर है, यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में जो सिंपल इंटरेस्ट है इनका अंतर, यानी माइनस करेंगे तो ये 150 के बराबर हो जाएगा। अब देखो जो दूसरी राशि है वो 5 वर्ष के लिए दी जा रही है और पहली राशि 4 वर्ष के लिए दी जा रही है, तो ऑब्वियसली बात होगी जो दूसरी राशि होगी वो बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पर बड़े में से छोटा माइनस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ SI2 - SI1, या करने के लिए SI1 - SI2 भी कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर माइनस में आएगा, करने के लिए तो कर सकते हैं बट माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो P और R की वैल्यू इसमें बराबर हैं, P की वैल्यू और R की वैल्यू बराबर हैं, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू, यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 7.5, और बटे में 100 भी कॉमन होगा तो 100 भी मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा T1 - T2, तो यहाँ पे पहले T2 है तो T2 की वैल्यू 5 हो जाएगी माइनस T1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, और बराबर किसके होगा 150 के।
तो अब मैं यहाँ से इसको दशमलव हटाऊँगा तो यहाँ पे एक जीरो लग सकता हूँ। फिर मैं इसको 75 से काटूँगा तो 75 दुनी 150 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू मैं यहाँ से आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा 2 × 1000, तो ये हो जाएगा 2000 के बराबर। और यही हमें निकालना था, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये हमें निकालना है। देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए, टाइम पीरियड पहली कंडीशन में है 4 वर्ष, किसी धनराशि, तो धनराशि हमें नहीं पता, मान लीजिए धनराशि है पी, धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, रेट भी हमें नहीं पता, तो मान लीजिए आर है, निवेश किया। ठीक है, तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी है इसमें 4 और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, ये हमने कर दिया। आगे दिया है यदि उसने इसी राशि का, इसी राशि का मतलब राशि मैंने पी मानी है तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन में भी राशि पी होगी, इसी राशि का 6 वर्ष के लिए, टाइम पीरियड इसमें दिया है 6 साल के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज, उसके द्वारा जो अर्जित ब्याज है, अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि, देखो पहले उसने ब्याज कितना अर्जित किया था, इतना अर्जित राशि से 50% अधिक होती। इससे 50% अधिक का मतलब, देखो अधिक और कम के लिए हमेशा हम 100 में ऐड करते हैं या 100 में माइनस करते हैं, तो इसमें अधिक की बात की होगी तो 100 में ऐड करेंगे, यानी सीधा मैं इसका 150% निकाल सकता हूँ। यानी पहले ब्याज के 150% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दूसरे ब्याज के बराबर हो जाएगी। तो दूसरी कंडीशन में देखो फॉर्मूला तो वही होगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो पी तो यहाँ पे हमने पी ही माना है, इंटू आर यहाँ पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे सेम होगा, इंटू टाइम हमें यहाँ पे अलग दिया है 6 साल, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, पी इंटू आर से पी इंटू आर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये सारी राशि आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक राशि का साधारण ब्याज के किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो यह राशि कितनी है ये हमें निकालना है। देखो अगर 3% अधिक होता तो इसमें दिया है कि 72 रुपये अधिक मिलते हैं, तो देखो 3% का मतलब 1 साल में 3%, तो टोटल 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6% की वैल्यू हो जाएगी, 72 रुपये अधिक मिलते यानी 72 के बराबर हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, 72/6, तो यहाँ पर हो जाएगा 12×6=72, तो 1% की वैल्यू निकाल दी हमने 12 के बराबर। मुझे क्या निकालनी है, यह राशि कितनी है, यानी मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो प्रतिशत में प्रिंसिपल की वैल्यू 100% के बराबर होती है, तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों साइड 100 से गुणा कर सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.5 रुपये की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी है ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें क्या हो रही है, 61.5 की कमी हो रही है, और कमी और वृद्धि के लिए हमेशा ही दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस यानी एक है 8% और एक है 7×28 और 3/31/4%, तो इनका डिफरेंस लेना है यानी माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 61.5 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर दो तो 8×32 − 31, तो ये हो जाएगा 1/4% बराबर हो जाएगा 61.5, तो मुझे 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 5×20 की 0, 4×4 और 5×6 और 6×24, तो दशमलव के एक स्थान है तो यहाँ पर जाएगा, तो 1% की वैल्यू है 246 के बराबर। तो मुझे क्या निकालनी है, उसकी कुल पूंजी कितनी है, तो मुझे पूंजी का मतलब प्रिंसिपल निकालना है, तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी, तो 100% के लिए मैं दोनों साइड 100 से गुणा कर सकता हूँ, यानी
246 और 00, तो 24,600 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा? बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।